हेलो गाइस जैसा कि थंबनेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि टेंथ पास के लिए वैकेंसी आई है तो टेंथ पास के लिए कौन सी वैकेंसी आई है आरपीएफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की चार हजार छः सौ समथिंग वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं दो अलग अलग पोस्ट के लिए एस SI और कॉन्स्टेबल जिसके लिए मैंने एक नोटिफिकेशन वीडियो मॉर्निंग में अपलोड किया था इस वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आपको कौन कौन से फेजेज में एग्जाम को क्लियर करना है फेज वन में क्या पूछा जाएगा फेज टू में क्या पूछा जाएगा और डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा साथ ही साथ फिजिकल मेजरमेंट या फिर जो फिजिकल होने वाला है उसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपको अगर हाइट वगैरह का कोई आइडिया नहीं है कि क्या हाइट का रहने वाला है मेजरमेंट तो वो इस वीडियो में बताऊंगा सो दैट इस वीडियो में आप चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं फिजिकली या नहीं क्योंकि इस एग्जाम में आपको आ, रिटेन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल एग्जाम भी पास करना है तो फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो सबसे पहले वैकेंसी पर अगर बात करें तो वैकेंसी अगेन वही है जो मैंने दिन में भी एक वीडियो डाली थी आरपीएफ रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आरपीएफ यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने बोल दिया है कि सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की वैकेंसी है जो कि स्टार्ट हो जाएंगी 15 ऑफ अप्रैल फिफ्टी ऑफ अप्रैल से जहां पर दो पोस्ट रहेंगी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल अब यहां पर क्योंकि मैंने बोला पास हाँ, टें तो कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेंथ क्लास है तो अगर आप टेंथ क्लास पास हैं हायर एजुकेशन नहीं किया है लेकिन आपकी एज 18 से 28 के बीच में है तो यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट कितनी पोस्ट कितनी वैकेंसी है चार हजार दो सौ आठ तो एक बड़ा नंबर है छोटी वैकेंसी कोई नहीं है हो सकता है समय के साथ जब नोटिफिकेशन अप्रैल में आए तो वहां पर वो वैकेंसी बढ़ा दें क्योंकि अभी तो एक महीने का समय है पूरा पूरा देखा जाए तो हो सकता है एक महीने में नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाए तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए अभी अगर सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे तो टोटल वैकेंसी एस आई कांस्टेबल मिलाकर चार हजार छह सौ साठ वैकेंसी है यहां पर इस एग्जाम सॉरी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एग्जाम जो है कौन कौन से दो फेजेज में होगा तो एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो फेज वन फेज वन की बात करें अगर तो यहां पर फेज वन होगा हमारा सीबीटी सीबीटी मतलब क्या है सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो सीबीटी शैल बी सेंटर उसने कहा कि सीबीटी जो है अलग अलग सेंटर्स पर होगा हिंदी कन्नड़ इंग्लिश वगैरह वगैरह जो भी आपसे मैथ पूछा जाएगा मान लीजिए प्वांट जिसे कहते हैं या जीएस पूछी जाएगी वो किस लेवल की पूछी जाएगी टेंथ लेवल का पूछा जाएगा तो बढ़िया है सबके लिए बढ़िया आप ग्रेजुएट है आप टें अब मैं अगर आपको बताऊँ कि एग्जाम में वो क्या क्या पूछने वाला है तो वो देख लीजिए आप सबसे पहले तो तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे हमसे जर्नल अवेयरनेस पूछा जाएगा अर्थमेटिक या हम मैथ या क्वांट भी कहते हैं और अगला है रीजनिंग ये तीन सब्जेक्ट सिर्फ पूछे जाएंगे आपसे दैट्स वाई मैंने कहा कि बहुत फेयर चांस है पास होने के लिए गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बिल्कुल डिटेल में बता देता हूं मैं आपको 50 क्वेश्चन आएंगे आपसे जीएस जनरल अवेयरनेस है जीएस से थर्टी फाइव क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स से रहेंगे और थर्टी फाइव क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे टोटल कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहां पर और टाइम की अगर बात करें तो टोटल टाइम बहुत दिया भाई नब्बे मिनट में आपका पेपर होगा नब्बे मिनट नाइनटी मिनट का पेपर है एक सौ बीस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां पर पचास क्वेश्चन कौन कितने क्वेश्चन पचास क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस जीएस से पूछे जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये क्यों क्योंकि अगर इन पचास क्वेश्चन को करने में भाई तुमने बीस मिनट मैक्सिमम लगा भी दिए तो ये 35 और पैंतीस क्वेश्चन करने के लिए अब आपके पास कितना टाइम रिमेनिंग है कितना मिनट बचा है सत्तर मिनट तो सत्तर मिनट में आपको क्वांट और रीजनिंग करना है तो जीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके आरपीएफ के एग्जाम में अगर मैं फेज टू की बात करता हूं तो वो है फिजिकल टेस्ट टेस्टी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल मेजरमेंट तो देख लीजिए सर कि सम इंस्पेक्टर मेल और सम इंस्पेक्टर फीमेल की अगर हम बात करें तो रेस जो उन्होंने बोली है कांस्टेबल में भी सेम सिनेरियो ही रहने वाला है चेंजेस ज्यादा नहीं रहेंगे 1600 की दौड़ है मेल को मिलेंगे छह मिनट तीस सेकेंड और फीमेल को मिलेंगे आठ सौ मीटर के लिए चार मिनट तो फीमेल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन है अगर आप देखोगे तो रेस की तैयारी आपको मुझे लगता है अभी से शुरू कर देनी चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं इन वैकेंसीज के लिए छ मिनट तीस सेकेंड सोलह सौ सो मीटर अप्रोक्सीमेट डेढ़ किलोमीटर और आठ सौ मीटर के लिए चार मिनट लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है 12 फीट की लॉन्ग जंप लड़कों के लिए है 9 फीट की लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए हाई जंप और लड़के और लड़कियों में आप हाई जंप भी देख सकते हैं कितनी है। तो मेरा यह मानना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए एंड मूवमेंट पर यह सारी चीजें नहीं होंगी अब अगर मैं बात करूं तो ये प्रैक्टिस तो खुद ही करनी है लेकिन अगर एग्जाम की बात करें क्यों क्योंकि अगर फेज वन ही क्लियर नहीं होगा तो फेज टू में जाके करोगे क्या है ना तो फेज वन के लिए हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन मैं दिन में बता चुका हूं जो भी बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बैच सभी के लिए सभी के लिए फ्री रहने वाला है आपसे कोई भी पैसा से नहीं लिया जाएगा स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे आप लोगों ने इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाना है एंड हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट कर देंगे जो कि डिजाइन होगा आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ठीक है क्या करना है भाई हंड्रेड लाइक्स करवाने हैं इस वीडियो पे एंड हम लोग शुरू कर देंगे क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं कोशिश करूंगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे आपने भी थोड़ा सा योगदान करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है इसके बाद अगर मैं फिजिकल मेजरमेंट के बाद आगे बढ़ू तो सॉरी मतलब लॉन्ग जंप और रेस वेस के बाद अगर मैं आगे बात करूं तो फिजिकल मेजरमेंट में उसने जर्नल वालों के लिए हाइट लड़कों की बोली है 165 सेंटीमीटर ये सारी की सारी हाइट सेंटीमीटर में है तो आप ये सब देख लीजिए आपकी हाइट एलिजिबल है आप इसमें नहीं है फीमेल के लिए जर्नल की इतनी है एक्सपेंडेड चेस्ट अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड चेस्ट भी देख लीजिए ठीक है ये तो खैर मेल के लिए रहने वाला है तो क्लियर है अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो हाइट में रिलैक्सेशन है लड़के और लड़कियों को और चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है बाकी अगर उन्होंने जो नेक्स्ट बोला है वो बोला है गढ़वालीज गोरखा मराठास डोगराज वगैरह के लिए तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो ये आपके लिए हाइट रहने वाली है मेल फीमेल और मेल के लिए चेस्ट एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड तो ये फिजिकल मीजरमेंट रहने वाला है ये वीडियो में इसलिए लेकर आयो कि आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेक कर ले कि आप क्या फिजिकली एलिजिबल हैं देखो एजुकेशनली एलिजिबल होना भी जरूरी है इस एग्जाम के लिए और फिजिकली एलिजिबल होना भी जरूरी है यह एग्जाम ही ऐसा है कि दोनों आपको दोनों पासों पर फिट बैठना होगा ये सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से नहीं चलेगा

वहां पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो भी आरपीएफ की वैकेंसी का वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से क्योंकि काफी समय के बाद ये पोस्ट आई है रेलवे ने कोई रिक्रूटमेंट आरपीएफ के पोस्ट के लिए काफ़ी लंबे समय से नहीं निकाला था और उसके बाद भी सिर्फ चार वैकेंसी ही निकाली है टोटल जो कि बहुत ही कम है फिलहाल उसके लिए हम लोग एक कैंपेन शुरू करने का सोच रहे हैं बहुत जल्दी सो so दैट हम रेलवे को बोल पाए कि वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ाई है फिलहाल जो चार हजार छह सौ साठ है हमारे लिए वही टारगेट है और हमें कितनी सीट चाहिए हमें तो एक सीट चाहिए एक बंदे के लिए तो कमर कस लीजिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपके डाउट रहते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ ही साथ बैंकिंग ड्रीम्स का ऐप भी आ गया है आप उसे डाउनलोड कीजिए सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट और डेली क्विज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ऐप में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इंफॉर्मेशन को वीडियो को सो so दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए इस वीडियो में इतना ही था थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ टिल देन टेक केयर गाइज थैंक यू बाय बाय